हेलो प्रेस, नमस्कार आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों माइक्रो एटीएम लेकर, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का माइक्रो एटीएम शो हो चुका है। और फाइनली हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बात करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक, अगर आप रिटेलर है तो आपको क्या करना है, माइक्रो एटीएम कैसे बुकिंग करना है। चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा दूँ और स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जो एयरटेल मित्र से माइक्रो एटीएम अगर आप लोग बुक करेगा तो आप कैसे बुक करेगा, लेकिन उस वीडियो में आपको नहीं बताया था कैसे आपका बुक करना है। लेकिन आज जो वीडियो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ प्रैक्टिकली बताएंगे कैसे आपको बुक करना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट बता दूं कैसे आपको बुक करना है, कैसे आपको क्या करना है। चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा अगर आप लोग एयरटेल का रिटेलर है तो कैसे बुक करें। ठीक, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं मान के चलो जो मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट अकाउंट है, मैं सबसे पहले दोस्तों क्या करें, मैसेज बॉक्स ऑप्शन करेंगे। जैसे ही मेरा मैसेज बॉक्स जो होगा, चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं मेरा मैसेज बॉक्स जो यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करेंगे स्क्रीन रिकॉर्ड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे हमको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालना है 51619। ठीक है, यहाँ पे जब डालेंगे 51619 डालेंगे दोस्तों, नीचे हमको क्या करना है, मैसेज बार में हमको यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है MATM स्पेस। जैसे यहाँ पे इस तरह आपको लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको भी इस तरह लिखना है MATM स्पेस आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, मान के चलो यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ एग्जाम के लिए। डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, अभी मेरे को सेंड करना है जो 51619 में करने के बाद हमको क्या करना, सैंपल हमको यहाँ पे सेंड कर देना है। जब हम सेंड करेंगे तो हमारे पास तुरंत शायद मैसेज आएगा, क्योंकि हमारा अभी मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। तो आपको इस तरह करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग एयरटेल का बीसी एजेंट है और आपका माइक्रो एटीएम बुक करना है, क्योंकि पोर्टल में सही अभी पता होगा आपका मोबाइल में शो हो रहा है कमिंग सून, लेकिन अभी भी आप बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बुकिंग करेगा मैं आपको बता दिया हूँ। आपको सबसे पहले 51619 में मैसेज टाइप करना है और मैसेज इनबॉक्स में आपको लिखना है बड़ा स्पेलिंग में MATM, लेकिन एक बार स्पेस देके आपको जो लाफू नंबर होगा, लाफू नंबर आपको भर के दोस्तों सेंड करना है। दोस्तों अगर आपके पास एयरटेल का रिटेलर सिम है तो मैसेज भेजने के लिए दोस्तों कोई आपको पैसा नहीं लेगा कंपनी। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आपको लेना है, क्योंकि 2022 में दोस्तों कमिंग सून इसलिए बता रहे, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का पास ATM है और एयरटेल पेमेंट बैंक कंपनी के पास दोस्तों ATM नहीं है। तो बहुत जल्द दोस्तों लॉन्च करने वाला है, मेरे लिए दोस्तों बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है 2022 में काम करने के लिए, क्योंकि शायद कोई भी कस्टमर मेरा पास आएगा तो मैं ATM से भी निकल कर दे सकता हूँ। और भरोसा मैं कोई भी कंपनी से करूँ और नहीं करूँ, क्योंकि दोस्तों एयरटेल कंपनी को मैं हमेशा भरोसा करूँगा और करते रहेंगे, क्योंकि 2022 में हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे कंपनी, जैसे कि हमको रेफ़र करने से भी कमीशन दे रहा है, गोल्ड लोन किसी को भी हम रेफ़र कर सकते हैं, बहुत सारा हमको फैसिलिटी 2022 में दे रहा है। और आने वाला दिन में दोस्तों शायद, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को वीडियो बनाया था जो आप IRCTC का भी ऑप्शन ले सकती है एयरटेल पेमेंट बैंक का द्वारा, क्योंकि एक सर्वे का ऑप्शन आया था एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। अगर 2022 मेरा जो आज से एक हफ्ता पीछे का वीडियो देखेगा तो वहाँ पे मैं एक वीडियो बनाया था जो सर्वे, एयरटेल का सर्वे, आप किस तरह जो या IRCTC का ऑप्शन ले सकती है। लेकिन अभी IRCTC का ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द हमारा सामने आ जाएगा और बहुत जल्द दोस्तों इसके बारे में आप काम कर सकती है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको सिर्फ उन्हीं भाई लोगों को मिलेगा जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है मार्केट में। अगर मेरा जैसा आप लोग काम कर रहा है, जैसे मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहा हूँ 0.280 पैसा है मेरा। ठीक है, अभी मैं इसमें मेरा जो पैसा है पूरा ट्रांसफर कर दूँगा। और यहाँ पे दोस्तों सेटलमेंट का जो सिस्टम है मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेटलमेंट करने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा है, आपको फ्री में सेटलमेंट दे रहा है एयरटेल जो मित्र एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको फ्री में दे रहा है। कोई भी अगर मान के चलो अदर कोई कंपनी से मैंने के चलो ट्रांजेक्शन कर रहा है तो आपको यहाँ पे क्या वो होता है दोस्तों, आपको पता है आपको यहाँ पे करने के लिए बोल तो सेटलमेंट करने के लिए आपको चार्ज लगता है, लेकिन एक हिसाब से मैं बात करूँ यहाँ पे कमीशन थोड़ा कम है, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक में जो कमीशन दे रहा है थोड़ा कम दे रहा है, लेकिन हमारे लिए दोस्तों बहुत बड़ा ये अमाउंट है, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक कंपनी भरोसेमंद कंपनी है। अगर एयरटेल पेमेंट बैंक कंपनी भाग जाएगा तो आपका क्या होगा, मान के चलो 2022 में ऐसा भी बहुत सारा भाई लोग सोच लेता है जब भाई एयरटेल पेमेंट बैंक क्या दूसरा कंपनी भाग जाएगा ना, क्या एयरटेल पेमेंट बैंक रुके, ऐसा नहीं है। RBI सबके लिए एक ही है, अगर आप लोग दूसरा कंपनी में कर रहे हैं तो कर सकती है, अगर इसमें कर सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक सजेस्ट देना चाहता हूँ, अगर आपको NSDL का पैन कार्ड एजेंसी लेना चाहता है 2022 में दोस्तों, मिनिमम आपको आधा घंटा में कोई भी कस्टमर का पैन कार्ड बना कर दे सकती है। तो चलिए आज का वीडियो के माध्यम से हम लोग जान लेंगे, जान लिया है ऑलरेडी, क्योंकि NSDL का पैन कार्ड एजेंसी अगर आप लोग लेना चाहता है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना,
दोस्तों आपको हमारा वेबसाइट मिलेगा, उस वेबसाइट में आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और इसके लिए कुछ आपको पे करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ आपको चार्जेस लगता है, चार्जेस का आपको देना पड़ेगा, तब दोस्तों आप हमारे पास NSDL का पैन कार्ड एजेंसी लेकर काम कर सकती है। चलिए आज का वीडियो इतना है, फिर मिलेंगे कुछ नया अपडेट लेकर। थोड़ा बाय।